शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बच्चे लोग, दादी वापस आ गई, अब खुश हो ना? क्या हुआ दादी? मेरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, जिस रफ्तार से गई उसी से वापस आ गई। दादी, दादी माँ, सिर दुख रहा है। दादी क्या हुआ? क्या? अचानक सिर दुखने लगा। दादी, मेरा सिर फट रहा है। मेरा सिर फट रहा है। दादी माँ, बर्दाश्त नहीं होता। Can I help you? Do you have any doctor available here? Yeah, sure. I need an airport doctor to report to gate 22A immediately. डॉक्टर ने थोड़े दिन रेस्ट करने को कहा और मेरा ट्रिप कैंसिल कर दिया। फौरन मधु ने राजा मणि को वहाँ से फोन कर दिया। मैंने बोला हमारे घर में ठहरना है, टैक्सी पकड़ के आ जाओ। एयरपोर्ट पे बेहोश हो गई थी आपने कहा। इधर आके कू कू करके पिछली बातें बता रही है, वो कैसे? बच्चों से मिलने की खुशी में बोल गई। तुमने जैसे ही मुझको याद दिलाया, सिर के पीछे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है। मधु, तुम फौरन माजी को ले जाके लेटा दो, बातें कल सवेरे करेंगे। ओके, गुड नाइट। मैं ऐसी उंगलियां नचाने के लिए बेहोश होके थोड़ी गिरी थी दादी। मेरा सर घुमा और मैं बेहोश होके गिर गई। मधु के लौटने की खुशी में मैं आसमान में उड़ने लगा हूँ। बाद में उड़ लेना, पहले मधु से जाके बोला I love you। अभी इतनी रात गए? हाँ भाई, दादी भी तो उसके साथ हैं, कैसे बोल सकता हूँ? वही मुश्किल है ना, तू जा मैं देख लूंगा। इस उम्र में मैं सिर्फ बेहोश हो सकती हूँ, I love you बोल सकती हूँ क्या दादी? हेलो। मैं राममोहन हूँ। विशु आपसे कुछ बात करना चाहता है, आप जरा स्विमिंग पूल पे आएंगे? स्टेडी। मधु, मैं आए, मैं तुमसे समझ गई। मैं भी जीतो के $4, हारोगे $2। कम से कम आज, कम से कम आज कौन विश्वनाथ है, कौन राममोहन है, बता दो तो मान जाए। अभी बताता है। माने मोनी, मोनी माने, मुर्गी कौआ बिल्ली मिनी पशु विशु। नो no. मैं रामू हूँ, ये है विशु। यू गॉट इट? कौन अपन पर तेरी दया नहीं किया? इस जन्म में तो नहीं बता पाओगे, तुम्हारी सारी दौलत दो दो डॉलर करके हमारे पास आने वाली है। भैया रामू, ये डॉलर दो ना। किस लिए? हारे हुए डॉलर आखिरी बार देखना चाहता हूँ मैं। ये ले। जा जा। ए जुनो, ए फोन। हेलो, हाय। आज सवेरे 5 बजे तुमसे थोड़ी बात करने को जी चाहा। रूम में गई तो देखा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना चाहा। कौन विशु है, कौन रामू है पता नहीं चला। मैंने सोचा भूल से कहीं मैं रामू को न जगा दूं, इसलिए वापस आकर सो गई। अभी आप किससे बात कर रही हैं ये जानती हैं?
हाँ विशु से, आप विशु है ना? नहीं जी, मैं रामू हूँ। जुनू से अभी बोला ना विशु आप है? वो तो यूं ही झूठ बोला था। हाँ? रोज सवेरे हम लोगों में बैटिंग होती है, ज्यादातर उसी से भूल होती है, लेकिन कभी बायलक सही भी बता देता है, पर हम लोग नहीं मानते, उल्लू बनाते हैं उसे। इसके अंदर ब्यूटी ये है कि आज आप भी फंस गई। कोई कोई बात नहीं, मैं भैया को भेजती हूँ। हाय मधु। हाय। बहुत देर हो गई तुम्हें आके। हाँ अभी आई। Here, something for you. Sweet, thanks. मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ आज। Fantastic. You like it? Yeah. रामू के लिए? ये क्या मधु? दोनों के रंग अलग हैं। हाँ बाबा, सवेरी रूम में आके धोखा खाया, डॉलर वाले खेल में धोखा खाया, मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरा विशु अलग दिखना चाहिए मुझे। सॉरी मधु, ये 21 बरस पुरानी आदत है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, रामू भी कभी नहीं छोड़ेगा, पापा भी कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी उलझन तुम समझ नहीं रहे, रामू से मैंने कहीं उल्टी पल्टी बात कह दी तो जस्ट इमेजिन। ये तुम्हारी भूल है, रामू इज अ जेम, देखते ही वो भाभी कहेगा तुम्हें। थोड़ी दिन विशु, कौन विशु है कौन रामू है खुद ना पहचान लूं तब तक मेरी इतनी मदद नहीं करोगे? थोड़े दिन की उलझन के लिए अगर हम बरसों की आदत बदलना चाहें तो ये बहुत गलत बात है मधु। ऐसी कौन सी आफत आ गई? विशु ने अगर शर्ट नहीं ली तो क्या हुआ? उन दोनों लड़कों में फर्क जानने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है क्या? एक ही पता, डंडे से मार कर छोटे का हाथ तोड़ने वाला हूँ। प्लास्टर की पट्टी वाला रामू, बिना पट्टी वाला तुम्हारा सैया मधुमाता। ओके क्यों रे? हाथ तोड़ेगा पैर तोड़ेगा, जैसा तू वैसे तेरे आइडियाज भी है, भाग पागल कहीं का भाग। ये खड़ूस लोग है, तेरा प्लान इनकी समझ में नहीं आएगा मादेश। यूं मुंह लटका के कब तक बैठी रहेगी लाडली? रानी थोड़ा करीब आ जाएगी तो विशु कौन है खुद ब खुद समझ जाएगी। मुझे नहीं होगा दादी, रामू को विशु न समझ बैठो इस डर से, ठीक से देख भी तो नहीं पाती, ठीक से बात भी नहीं कर पाती, बोलने में देखने में झिझक रही हूँ, तो फिर करीबी रिश्ता कैसे बनाऊं? देख बेटी, पहले तुम मुझे स्क्रू लूस आधे भेजे का पागल बोलना बंद करो। अब तो मैंने बॉल भी बदल दिया है, दोनों छोकरों में फर्क दिखना चाहिए बस वही ना, तो कम से कम 6 महीने तक फर्क दिखाई दे, ऐसा एक बहुत जोरदार भगवान बालाजी का दिया हुआ आइडिया है। बच्चों छील दूंगा। बाई तरफ है विशु, दाई तरफ है रामू। बाएं बाजू लेटा है बड़ा, दाएं बाजू लेटा है छोटा। लव कुश कुश, तो आज होगा फुश। कुंभाभिषेक आराधना, कुश गोइंग फॉर कुंभ मेला। कम ऑन भरजी तिरुपति। बोल, किसने मेरे बेटे का मुंडन करने वाला था? बोलता क्यों नहीं? मधु को रामू और विशु में फर्क पता नहीं चलता। फर्क क्यों जानना है उसे? जी वो मसु और विदु, विदु और मसु आपस में रखो नहीं, बोल ठीक से। बोलता हूँ बोलता हूँ, विशु और दीदी मधु दोनों एक दूसरे से लव में है। धनवंती माँ जी, बीमार हो के आप यहाँ पे आई थी, बीमारी ठीक हो गई, वतन वापस लौट जाइए, ये प्यार शादी के बाद यहाँ मत कीजिए। क्यों, इसमें बुराई क्या है? मेरी पोती आपके बेटे से प्यार करती है, आपका बेटा भी मेरी पोती से प्यार करता है, इसी बिना पे मैंने रिश्ते की बात शुरू की।
इनकी जिंदगी का फैसला करने वाला मैं हूँ। मैं कहता हूँ ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्या कमी है? सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हैसियत नहीं है। हैसियत कोई बड़ी समस्या नहीं है माँ जी। तो जात पात की है? वो भी नहीं है। मेरी पोती प्यार करने लगी तो वो ओछे कुटुंब की है, आपने ये तो नहीं सोच लिया? आपकी पोती तो खरा सोना है, लेकिन हमें मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं है मिस्टर राजामणि? दूसरे माँ बाप की तरह प्यार का शब्द सुनते बिना बात के विरोध करना ही चाहिए, इसलिए क्या? बिना बात के विरोध नहीं कर रहा, इसकी वजह है। मैं भी जुड़वा हूं, मैं जुड़ा हुआ पैदा हुआ था। हमारा परिवार दो पीढ़ियों पहले उत्तर भारत से रामेश्वरम में जाके बस गया था। चार चार इडली, दो ग्रेवी वाला मटन, दो तला हुआ मटन, फ्राई मछली के दो टुकड़े। चार इडली, दो फ्राई मटन और मछली, इतना ही ना? 8.5 रुपए दे दो भैया। कम पैसे बोले हैं, 9.5 रुपए लेने हैं इनसे। ऐसा क्या भाभी? तो जैसा भाभी बोली 9.5 रुपए देना। अरे पारसमणि, अरे भैया चूल्हे के पास आग में तपकर अपना खून जला के पैसे कमा रहे हैं। सच्ची बात है, अगर तुम हर ग्राहक का 1-1 रुपया छोड़ते रहे तो दुकान मलिया मेट हो जाएगी। काली भैया, तुमने खा लिया ना? तुमसे खाने का 1 रुपया भी हमने ज्यादा लिया नहीं तो काहे को खोट निकाल रहे हो? अपने घर जाओ। ये क्या भैया, होटल का लोग मजाक उड़ाते हैं वो हालत कर दी है। ये तो छोटा सा हिसाब था, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी ना? क्या करना चाहिए? हाँ? क्या है, आफत आ गई कोई? 1 रुपए की चूक की तो क्या बिजली टूट पड़ी? मेरा मर्द 10 रुपए पे मालिक ही छा, जैसे तूने से नौकर रखा है वैसे चिल्ला रही है। ओहो मैं किधर चिल्लाई? हिसाब सीखो बोली ना, तू एक मर्द के बाजू खड़ी होकर हिसाब सीखो बोली, आसपास के सारे लोग क्या सोचेंगे? ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि खामखा उबल रही हूँ? तुझे अगर कुछ बोलना है तो खुद के मर्द को बोलने को बोलना, तेरे को नहीं बोलने का है। देवर को थोड़ा भाव देना मांगता है। क्या सुन रही तुम इतनी सी बात? कैसे आज जोड़ने में भूल ढूंढी है, कल घटाने में ढूंढेगी, बैठने में भूल होगी, खड़ने में भूल होगी, फिर हौले हौले चुकने को बोल के पीठ पर चावल बिछा के कल का ढूंढना चालू करेगी। अरे रे रे रे, ये बड़ी मुश्किल हो गई, पूरा दिन बात बात पे ऐसे झगड़ती रही तो ना दुकान में बरकत होगी ना ही परिवार फूलेगा फलेगा। हाँ भैया, इसके कारण ही तो यहाँ बरकत बिखर रही है, हम दोनों मनुष्यों ने तो दौलत इज्जत सब कुछ बर्बाद कर दी। ए बहू तू बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों, मैं अपने मर्द के माफिक चुप बैठ जाऊँ तो ठीक होएगा तुम्हारे लिए? अरे दद्दा से ऐसे बात मत कर, मेरे लिए वो भगवान है। सब औरता के लिए उनका मर्द ही भगवान है, मेरे मर्द की बेइज्जती करेगी मेरे सामने तो मैं कैसे चुप रहेगी? मेरी माँ, अब मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, भगवान के लिए माफ कर दे मुझे। थोड़ा छुट तो सर पे चढ़ेंगी। अच्छा अच्छा सुंदरी जाओ इधर, जाओ जाओ। अंजरी तू भी जा, तू अपना काम कर। दद्दा मैं किसी काम के लायक नहीं, मेरे को एक छोटा सा हिसाब भी करने को नहीं आता, लड़ाई भी होती है मेरे कारण, अब मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। ए, भाई ये तो मेरा जैसा भी है इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन तेरे आंसू बहाना सहन नहीं होगा मुझसे। तू जा आंसू पोंछ के, तू अपना काम कर। तू जा। मंजरी मैं चलता हूँ। सुनो जी, मुझे कुछ हो रहा है, पेट में हलचल हो रही है, दोपहर तक प्रसव हो जाएगा। तो फिर मैं यही रहता हूँ, एकदम हो गया तो सहायता के लिए कोई तो चाहिए। पारसमणि को आज हाट में भेज के सामान मंगवा लूँ क्या? ओहो उन्हें नहीं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, उनको बूढ़ा बकरा और बीमार मुर्गिया दुकानदार थमा देगा। उन्हें 10 चीजें लाने को बोलोगे 8 चीजें ही लाने वाले हैं, तो चीजों के लिए वापस बाजार भागना होगा। अच्छा होगा आप ही चले जाओ। मैं बस गया और आया। भैया यहाँ आओगे जरा? क्या है भाभी? पता नहीं क्यों सवेरे से ही घुटन सी हो रही है, एक सोडा ला दोगे जरा? अभी लाए भाभी। अरे ओ कहाँ चले, एक वफादार कुत्ते के माफिक दो मिला के कहाँ भाग रहे हो? भाभी के लिए सोडा लेने। तुम्हें एक बकरा खरीदना नहीं आता, मुर्गी भी खरीदना नहीं आता, सोडा इच बस लाना जानते हो? पानी निकाल के दो, मुंह धोना है मुझे, सोडा उसी को चलाने को बोला ना। ए, सुंदरी ये बात नहीं करना, भाभी को घुटन हो रही है बोल रही है ना? सब झूठा नाटक है, पट्टे के माफिक एक देवर हाथ लगा तो रानी की तरह आर्डर देने की किस चुड़ैल की इच्छा नहीं होगी? कोई दूसरा काम देखो, चलो चलो। भाभी पूरे दिनों से मैं इनकी थोड़ी मदद करने लगा था, तुम उल्टा क्यों बोल रही? वो पूरे दिनों से है तो मन पसीज रहा है क्या?
बहुत चटपटी लोग आई है तभी फुर 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 दौड़ रहे हो। सब बात का गलत मतलब मत निकाल सुंदरी, एक औरत की मुसीबत अच्छा? दूसरी को समझना चाहिए ना। तुम पे अच्छा जादू का डंडा फेरा दिया इसने। इस लुगाई को एक मर्द काफी नहीं है। चूल्हे पे परोठा पकाने के लिए पति, मौज मस्ती के लिए देवर, ऐसे दो मर्द इसने अंटी में लपेट के रखे हैं। इसीलिए राफा देख के तुम घुसावन में लग गए हैं। बहुत हुआ, कोई भी तेरी जबान को नहीं रोक सकता। पहले मैं सोडा लाता हूँ, बाद में सारा दिन कोसती रहना, नहीं तो रुको, चौखट लांग के बाहर गए अगर तो मन्नत तोड़ दूंगी। किसी को जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सोडा ले आऊंगी। ऐसी बातें अब सहन नहीं होंगी मुझसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, अब बस और कुछ नहीं कहना। एक सोडा देना। रानी बेटी, मेरी लाडली बिटिया, तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, राजा बनी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दत्ता, इनका खून मैंने किया, अपनी भाभी को मैंने ही मार डाला, औरत की बात मान के इनकी मौत का कारण मैं बन गया। मेरे को एक सोडा लादे पारिस बनी कह के गिर गिराई, इसको लेके झगड़ा किया और चुड़ैल के माफिक बड़ी गंदी गंदी बातें की। दत्ता, भाभी की मौत प्रसव में नहीं हुई, वो खुद्दार थी, ओछी बातें तीर जैसी चुभ गई तो वो मर गई। दद्दा दद्दा, एक डायन मेरे गले में बंध गई है, वो उसका मुंह नहीं देखना चाहती थी तभी मर गई वो। उनका खून करके मैंने बेचारे नादान बच्चों के माँ की जान ले ली। दद्दा, भाभी को मैंने जान से मारा है। दद्दा दद्दा, तुम मेरी बोटी बोटी कर दो। दद्दा, मुझे भी उस जगह फूंक दो, राग भी नहीं लाना मेरी। दद्दा, मैं पापी हूँ, मेरा खून कर दो। दद्दा, मेरा खून कर दो। राजा मणि, बहुत हुआ, मैंने तुमसे बेटी की शादी की भरपाई। तुम्हारे भाई और भाई की बीवी ने उसे अर्थी पर लिटा दिया, पापियों ने मेरी बेटी को मार डाला रे। इन दो कच्ची कलियों को मुझे दे दो, मैं इन्हें पाल लूंगी। गर्भवती को एक घूट सोडा ना पिलाने वाली, बच्चे को दूध भात खिला के पालेगी क्या? उठो, तुम्हारी घरवाली मरी है क्या? ऐसे कठुड्डी पे हाथ रख के बैठे हो? उठो उठो, तुम पे मुझ पे गलियों में घूमने वाली हैं खूनी, क्या के उंगली उठावे? मैं ये सुन के चुप बैठी रहूंगी क्या? और गलियों में घूमने वाली? अरे छी, चुप कर। पेड़ के नीचे खोमचा लगा के बड़े रुबाब से जी लेंगे, हमें इस छत की जरूरत नहीं। बाहर चलो, दौलत का बंटवारा करने को बोलो, दुकान का भी हिस्सा कराओ। क्यों जहर उगल रही है? दद्दा पहले ही दुखी है। क्यों, सब कुछ सुन के भी दद्दा को छोड़ के जाने का दुख हो रहा है? यहाँ बैठ के लोरी गाओगे क्या? जब तक वो थी उसके पीछे पीछे उसका पल्ला पकड़ के उसकी नौकरी करी, अब तुम उसके जायों की नाक साफ करके डट्टी उठा के उन्हें पालने वाले हो? कल अगर घर में कोई नहीं रहा और बच्चों की तबीयत जरा भी बिगड़ी तो उसका दोष भी हमारे ऊपर थोपेंगे। जरूरत नहीं है बंटवारा करने को, बोलो
नहीं, मैं दादा को छोड़ने वाला नहीं, उनके खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरे को छोड़ देने का, फिजूल आदमी की बीवी बनकर रहने से तो अच्छा है काबिल आदमी की रखेल बनकर रहने का। तेरा ही फैसला, तो जा बन जा। रुक जा बाहू, ये क्या है? हाँ, ये तुझे किसने सिखाया? ये कहना चाहिए काट के रख दूंगी छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छे कुटुंब में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे क्या चाहिए बोल, दुकान मकान दौलत वही ना? तो ले ले, तू सब ले ले, तू सब रख ले बहू। ये चुड़ैल नास पीटी बेसर्मी से सब मांग रही और तुम दे रहे हो राजा मनी, मरते वक्त गंगा जल भी मुंह में मत डालना इसकी। गंगा जाने दे इसे बाढ़ में। ए, क्या रिश्ता तोड़ने के लिए शादी करते हैं? इसे आखिरी वक्त तक निभाना चाहिए, अच्छा कुटुंब वही है। ए, मैं जब तक जिंदा हूं ना हमारी दुकान का बंटवारा होगा और ना ही तेरा कुटुंब टूटेगा। दादा, दादा दादा मुझे छोड़ के मर जाओ, दादा मुझे छोड़ के मर जाओ, दादा दादा मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे भगवान, बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? दत्ता, दत्ता मुझे छोड़ के मत जा। दत्ता, बड़ी को कुछ हुआ तो छोटी संभाल लेगी, छोटी को कुछ हुआ तो बड़ी संभाल लेगी। प्यार से मिलजुल के सब लोग रहते, मेरी बात नहीं माने, तुमसे ऐसे जीने वाली उम्र में तुम बेघर होते जा रहे हो। दत्ता मुझे छोड़ के मत जा, दत्ता वापस आ जाओ, दत्ता मैं अनाथ हो जाऊंगा। कार बंगला आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा भाई 5 और 10 रुपए के लिए तरस रहा है। अलग अलग कुटुंब की बवेला, इसलिए मैं और मेरा भाई जुदा हो गए। ऐसी भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं अपने बच्चों की सिर्फ जुड़वा पैदा हुई 2 बहनों से ही शादी करूंगा। उसी दिन मैंने फैसला किया था और इसे कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर हे ईश्वर, कैसी लीला है तेरी। मिस्टर राजामणि, मेरी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या बोल रही हैं? इतने दिनों से जो चिंता थी मुझे आज आपने दूर कर दी। मेरी पोती मधुमिता भी जुड़वा ही है। ये क्या माँ जी, सिनेमा का कोई सीन सुना रही हैं? सिनेमा में भी जीवन है, जीवन में भी सिनेमा है। कई दफा सिनेमा से बढ़कर जीवन में अनहोनी बातें हो जाती हैं। इसकी माँ जब गर्भ से थी तो पेट बहुत बड़ा दिखता था। इसके पिता खासे ज्योतिष के पागल थे। ज्योतिषी ने कहा कि उसके जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अगर जुड़वा लड़के पैदा हुए तो तुम्हारा राजयोग है, अगर जुड़वा लड़की हुई तो 40वें बरस में तुम्हारी मौत हो जाएगी। बस फिर क्या था, इसका बाप बड़ा झक्की है, भीगे बंदर को जैसे बिच्छू काट ले वो वैसे हाथ में तलवार लेकर हॉस्पिटल में घूमने लगा। हमारा डर सही निकला, 2 बच्चे जन्मे मगर दोनों लड़कियां थी। कहीं वो खुद को बचाने के लिए एक बच्ची को न मार दे, इस डर के मारे हमारे घर में खाना बनाने वाला जो ब्राह्मण था उसको एक बच्ची सौंप दी। बहुत से पैसे देके उससे कहा इसके बाप की उम्र 40 बरस की होने तक सबसे छुपा कैसे पालना। राजामणि, उसका नाम वैष्णवी है, इसकी छोटी बहन, वो अभी कोड़ेकनाल में कॉलेज में पढ़ रही है। ये बात मैं कैसे मानूं? रुकिए एक मिनट। राजामणि, इस पवित्र अग्नि की सौगंध। अब बोलिए राजामणि, इस शादी के लिए आप रजामंद हैं? ये क्या धनवंती माँ जी, जब आपने पोतियों के जुड़वा होने की इतनी बड़ी सौगंध खाई तभी मैं शादी के लिए फौरन राजी हो गया। कांग्रेस माधु, थैंक यू पापा। दादी क्या रामो? जूनो, क्या नाम बताया दूसरी वाली का? क्या वैष्णवी? वैष्णवी, वैष्णवी।
वैशु है? रामू वैशु ब्यूटिफुल आई लाइक दैट वेरी मच क्या कहा मधुमिता जुड़वा नहीं है अरे ये चाची 420 तू अपना मुंह बंद रख बेवकूफ गधे ये क्या बोल रही हो दादी मैं जुड़वा नहीं हूँ क्या नहीं हजार झूठ बोल के एक शादी करवाओ लोग कहते हैं ना तुमने क्या गजब कर दिया दादी ये हंसी खेल की बात है इतना बड़ा झूठ बोला तुमने अंजाम क्या होगा सोचा है एक और झूठ बोला तो मामला फिट हा? पहले तो तेरी और विशु की शादी करवानी होगी शादी के बाद अगले हफ्ते ही वो छोटी बहन जॉन्डिस से मर गई ये बोलना पड़ेगा या वो किसी के साथ भाग गई ये बोल के किस्सा खत्म कर देंगे दादी बहुत बड़ी बेईमानी है मैंने अग्नि पे हाथ रख के कसम खाई है जानती है ना ख्याली बहू को देखने राजा मनी अपने बेटे को लेके हमारे साथ इंडिया आ रहे हैं हे ईश्वर सुन तेरी शादी जब तक ना हो जाए तुम दोनों अपना मुंह नहीं खोलोगे खून कर दूंगी हाय मधु हाय डैडी मैं आ गया हाय मामी हाय मादेश तू कैसा है अमेरिका में नया भाई क्या बेबी ठीक हो ना कैसे हो थैंक यू मामी तुम कैसी हो आई एम परफेक्टली ऑल राइट गुड इसका कारण आप लोग हैं नमस्ते नमस्ते आप हैं मिस्टर राजा मणि आई एम श्वेतांबर मैं बताता हूँ अच्छा मेरा नाम श्वेतांबर है मेरा कोट सफेद है टाई सफेद है शर्ट सफेद है पैंट सफेद है मेरा मन भी सफेद है यहाँ तक कि मेरा बैंक अकाउंट भी सफेद है क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता आप विश्वनाथ रामोहन है ना नमस्ते बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजा मणि मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है अगर मेरे भी इन दोनों की तरह जुड़वा बेटियां पैदा होती तो इनके साथ उनका ब्याह करके आपके एहसान का कर चुका देता लेकिन क्या करूं मेरी एक ही बेटी है अजी ये क्या जुड़वा बच्चे बेटियां होती तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती तब आप डरे हुए थे अब आप शादी की बात कर रहे हैं कैसी समस्या क्या डर था मुझे दादी वन मिनट ये आंटी प्रेग्नेंट थी जिस टाइम तो ये अंकल तलवार लिए घूम रहे थे कि नहीं हाँ भाई क्या हाँ भाई अब आप कह रहे हैं कि ब्याह करवा देता चक्कर है क्यों जी मैं जब माँ बनने वाली थी तो आपने तलवार क्यों उठाई थी अरे मैंने कब तलवार उठाई सब कुछ भूल जाता है जब दुर्गा गर्भवती थी तू टेंशन में घूमता फिरता नहीं था हाँ माँ टेंशन के ही मैंने सारे किस्से सुनाए उसी के बारे में पूछ रहे हैं ये बात है लेकिन माँ वो तलवार अरे क्या रे तुम लोग बड़े बदतमीज हो समधी से चौकट पर खड़े होकर बात करो जाओ समधी को रूम दिखाओ तुम जाके विशु रामू को रूम दिखाओ जाओ ईश्वर संभालना मुझे माँ वो तलवार के बारे में कुछ अरे तो सारी बातें भूल जाता है जब तेरे बच्चे पैदा हुए थे तूने कुल देवी पे तलवार चढ़ाने की मन्नत मांगी थी ना अरे उसी का तो जिक्र कर रहे थे मधुमिता अपने पापा को अंदर ले जाओ बेटी दादी कंफ्यूज मत करो पहले बच्ची को मारने के लिए तलवार उठाई थी बोली अब कुलदेवी की मन्नत वाली बात बोल रही है वो कैसे टेल मी चुप रहे मिस्टर राजामणि वैष्णवी नाम की बेटी अभी जिंदा है ये बात मेरा बेटा नहीं जानता ये जूनो कुछ आधा अधूरा बक गया अगर मेरे बेटे ने गलत फहमी में वैष्णवी को मार डाला तो वैष्णव बस फिर ये शादी भी रुक जाएगी ना सिर्फ वही बात नहीं वैष्णवी को किसी ने देखा भी तो नहीं है लेकिन दादी माँ वैष्णवी कहाँ ये बात अंकल नहीं जानते फिर कैसे मारेंगे उसको जूनो थोड़ा चुप रहे ए जूनो तू चुप रहे काहे को बड़ों के बीच टटर बोले जा रहा है वैष्णवी बहुत खतरे में है दादी बोल रही है ना फिर भी तू अपनी बकबक किए जा रहा है तू जाता है हम लोग वैष्णवी को कभी ना देख सके कीप क्वाइट ऐसा नहीं वैष्णवी किधर है तू अंदर चल हाथ में तलवार 40 बरस में मौत ज्योतिषी के पीछे पागल वैष्णवी जुड़वा कोड़े कनाल माँ अब मुझे खाना कभी नहीं मिलेगा माँ क्यों बेटा तुझे क्या कमी है झूठ बोलने वाले को खाना नहीं मिलता ऐसा तुम बोली थी ना तुम्हारे वाले झूठ अगर बोलूंगा तो नाश्ता क्या एक घूट कॉफी भी नहीं मिलेगी माँ क्यों रे खिल्ली उड़ा रहा है और क्या माँ एक के बाद एक रेल के डिब्बे की तरह ज्योतिष जुड़वा बच्ची कोडेकनाल वैष्णवी कह रही है मुझको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा पागलों जैसी बात ना कर तेरी बेटी उसके प्यार में फंस गई है बच्चों की इच्छा के मुताबिक उनकी शादी करवाना बड़ों का फर्ज है इसीलिए छोटा मोटा झूठ बोलना पाप नहीं है अब बोल तू तेरी कितनी बेटियां हैं एक बेटी दो बेटियां ठीक से बोल एक बेटी है तो एक बेटी दो बेटियां है तो दो बेटियां लेकिन जो अभी जिंदा है वो एक ही बेटी है नहीं एक और बेटी पैदा हुई होगी या पैदा नहीं भी हुई होगी या पैदा होके मर गई होगी या पैदा ना होके मर गई होगी या मेरे जाने बिना ही पैदा हुई होगी उसको किसी और जगह पाला गया होगा यानी कुल मिला के मेरी एक बेटी है मेरी बीवी की एक बेटी है जोड़ने से तो होती है ना माँ वेरी गुड तू झूठ ना बोल सके तो कोई बात नहीं
उसकी शादी होने तक तू ऐसे ही बकवास करते रहना, मैं कुछ भी बोल के संभाल लूंगी। हाँ बहू, अब तू बोल। मैं झूठ बोल लूंगी? व्रत के दिन सिर्फ मैं झूठ बोलने वाली नहीं। कैसा व्रत? सोमवार को सोमवार का व्रत शिव जी का, फिर मंगल को व्रत होगा मंगल गौरी का, बृहस्पति को व्रत अमिताभ का, नहीं नहीं साईं बाबा का, साईं बाबा का, शुक्रवार को दुर्गा का, शनिवार को भगवान बालाजी का, इतवार को सूर्य भगवान का। अच्छा, बुधवार को खाली है? हाँ, बुधवार को झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन उस दिन अमावस पूर्णिमा या एकादशी हुई तो गड़बड़ है। किस लिए इतना व्रत रखना शुरू किया है? आप ठीक ठाक रहे इसलिए। ये तो आग में कूद जाए, सिर्फ तुम्हारी डांट से डरती है। क्यों रे, तेरी औरत मेरे ऊपर इतना प्यार बरसा रही है? देवी माँ, फूल माला मंगाओ। चुप रह, नहीं मंगाओ। अपनी बेटी की शादी होने के लिए 7 दिन तक मेरा बताया हुआ व्रत भी रख ले तू। कौन सा व्रत माँ जी? मौन व्रत माँ जी। बोला ना, मुँह नहीं खोलना। दादी तुम्हें, कैसी लड़की है, पत्थर मार रही है। क्या सोच के किया तुमने? तुमसे मिलने बाहर से वैष्णवी आने वाली है, बड़ी इत्मीनान से सबसे बोल दिया। आने वाली कौन है, कैसे आने वाली, वो कहाँ से आने वाली है? अरे ये कैसा सवाल है, तू आएगी? मैं? हाँ बेटी, डबल एक्शन। अरे बाबू। दादी ये क्या गुड़िया का खेल है, ये चीटिंग है, ये धोखेबाजी है, ये नहीं होगा मुझसे। तो जा, तू जाके पान के डंठलों को, जूठे कोक के डिब्बों को, फ्यूज हुई बैटरियों को गले से लगा के रो। तेरा बाप तुझे किसी और के पल्ले बांध देगा। मन में विशु को बसा के पराया आदमी को गले लगा के गृहस्थी बसा, वो चीटिंग नहीं होगी क्या? वो विश्वासघात नहीं होगा क्या? अरे ये तो और घिनौनी बात है। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? ये बात नहीं है रानी, देख सुन, वो लोग दूसरी लड़की को देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हवा की माफिक आना, हवा की माफिक चली जाना। मधु, दिल के अंदर बसने वाले को छोड़ के जीवन भर तड़पने से तो अच्छा है 2 दिन नाटक कर ले, ये दगाबाजी नहीं है। वैष्णवी, बाप रे कितनी बड़ी हो गई है तू मेरी रानी। तू अच्छी तो है, पहचाना मुझे? दादी हूँ मैं तेरी, धनवंती। दादी आशीर्वाद दो मुझे। ये जानती है तू कैसे पहचाने की ने? यही तो तेरे पिता है श्वेताम्बर। वैष्णवी बेटी, ये तेरी माँ है दुर्गा। अरे ऐसा क्यों देख रहा है, ये तुम्हारी दूसरी बेटी वैष्णवी है। ये दोबारा जन्मी है इसलिए दूसरी बेटी, पहले जन्मे तो पहली बेटी, तीसरी बार जन्मे तो तीसरी बेटी, चौथी बार जन्मी अगर तो सब मिलाकर देखें तो मेरी एक ही बेटी। पिताश्री, निर्दयता से ज्योतिषी का विश्वास करके 20 वर्ष से मुझे आपने त्याग दिया था ना। रामा मामा मुझे न देखते तो क्या गति होती मेरी, सोचिए। क्यों माँ, तुम्हारे हृदय में भी मेरे लिए ममता नहीं रही क्या? बाबा 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 बाबा। अरे तू कोई गुंगी नहीं है, मौन व्रता है। और बेटी आप है मिस्टर राजामणि, अमेरिका में इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं। प्रणाम। बच्ची कैसी लगी? महालक्ष्मी की मूर्त है। वो है मिस्टर जूनो, आपके रेस्टोरेंट में हेड नाइस मीटिंग। बड़ा बेटा, कोई चक्कर है? ये घन चक्कर है नहीं, सिर के सारे फूल तो फ्रेश दिख रहे हैं अपन को, जैसे बिटिया पिछले स्टेशन पे चढ़ के इस स्टेशन पे उतरी हो वैसी लग रही है। खुल गई। क्यों जूनो, पिछले स्टेशन पे फूल लेके इस स्टेशन पे मुंह हाथ धो के फ्रेश होके लोग नहीं आते क्या? आपसे मिलने के लिए ये बंसवर के आई है। ये मेरा बड़ा बेटा विशु, डॉक्टरी पढ़ रहा है। प्रणाम। आपकी दीदी से मैं शादी करने वाला हूँ। ये बात है, बहुत आनंद हुआ बहनोईश्री। मेरी दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ कहाँ है? वो ये 20 बरस के बाद आ रही है ना, इसलिए वो मंदिर में इनके लिए पूजा करवाने गई है। ये महाशय कौन है? कौन है? वैशु माता, मैं छोटा भाई महादेश हूँ। ओह अच्छा। मेरे मेरे बारे में? ओह, और ये मेरा दूसरा बेटा रामू, ये भी तुम्हारी तरह ट्विन्स है। प्लीज टू मीट यू। प्रणाम। कल्चर, इंडियन कल्चर, आई लाइक दैट वेरी मच।